हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको चमगादड़ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप लोग नहीं जानते। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको चमगादड़ के बारे में बहुत सी जरूरी बातें पता चल लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आकाश में उड़ने वाला स्तनपाई प्राणी चमगादड़ होता है, जो अपनी अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारी के दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्माण करता है। यह पूर्ण रूप से निशाचर होता है और पेड़ों की डाली अथवा अंधेरी गुफाओं के अंदर उल्टा लटका रहता है। इनके दो समूहों में इनको विभाजित किया जाता है। पहला समूह फलभक्षी बड़े चमगादड़ का होता है, जो देखकर और सुनकर अपना भोजन ढूंढ लेता है, जबकि दूसरा समूह कीटभक्षी छोटे चमगादड़ का होता है, जो प्रतिध्वनि द्वारा स्थिति निर्धारित करने के कारण अपना भोजन तलाश कर लेता है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ भी सकता है और रात को भी उड़ सकता है। इसके पंख में परिवर्तित हो जाने के बाद झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा के साथ यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथों की उंगलियों तथा शरीर के भाग से पूंछ तक चली जाती है। एक पंख का निर्माण भी करती है। पिछली टांगें इसकी पतली, छोटी और नख युक्त होती हैं। इसके शरीर पर बाल बहुत ही कम होते हैं। सिर के दोनों ओर बड़े बड़े कर्णपल्लव पाए जाते हैं। चमगादड़ के पंखों का आकार 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। इसका वजन भी 200 ग्राम तक होता है। चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, क्योंकि उल्टे लटके रहने से ही इनको नींद अच्छी आती है। जब ये उल्टे लटके रहते हैं तो इनको उड़ान भरने में भी काफ़ी आसानी होती है। पक्षियों की तरह वे भी ज़मीन से उड़ान नहीं भर पाते, क्योंकि उनके पंख भरपूर उड़ान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम किया करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। ये सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? इसका कारण ये है कि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित होती हैं कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में उनकी मदद करता है। चमगादड़ से जुड़े बहुत सारे ऐसे रोचक तथ्य हैं जो हम आपको बताते हैं। चमगादड़ गुफा से निकलते समय हमेशा बाएँ हाथ ही मुड़ते हैं। चमगादड़ों की एक छोटी बस्ती 1 साल में 1000 किलो कीड़े या फिर 100 करोड़ खटमल खा सकती है। एक चमगादड़ 1 घंटे में 600 खटमल तक भी खा सकता है, जो एक मनुष्य के 1 रात में 18 पिज्जा खाने के बराबर हो सकता है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 140 बड़े भूरे चमगादड़ एक गर्मी के मौसम में बहुत सारे ऐसे कीटों को खा सकते हैं जो खीरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे किसानों के 55 करोड़ रुपए बच सकते हैं। दुनिया के सबसे लंबे चमगादड़ के पंखों की लंबाई 5 या 6 फुट तक हो सकती है। संसार में लगभग चमगादड़ों की 1100 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कुछ पौधों के बीज तो उखड़ते ही नहीं अगर वह चमगादड़ों की पाचन प्रणाली से ना गुजरे। इसके अलावा चमगादड़ जो पका हुआ फल खाते हैं उनके बीज भी फैला देते हैं। लगभग 95% उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का वनीकरण चमगादड़ों द्वारा फैलाए गए बीजों से ही होता है। चमगादड़ों की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है और रहते हैं। यह हर रोज 2 लाख किलो खटमल खा जाते हैं। कुछ सफ़ेद पंखों वाले चमगादड़ मुर्गियों के पास आकर लेट जाते हैं और चूजे होने का नाटक करने लगते हैं। जब वह मुर्गी के नीचे आ जाते हैं तो उनका खून चूसने लग जाते हैं। अक्सर ऐसा बहुत कम देखा गया है कि एक चमगादड़ एक व्यक्ति को काटे, पर अगर वह काट ले तो अगली बार भी उस व्यक्ति को वह जरूर काटेगा। अगर वह व्यक्ति दोबारा उस रास्ते से गुजरे जहाँ से उसे पहले चमगादड़ ने काटा है। ऐसा होता है दोस्तों, और ये सच है। चमगादड़ इकलौते स्तनधारी प्राणी होते हैं जो कि उड़ सकते हैं। एक भूरा चमगादड़ लगभग 40 साल तक जीवित रह सकता है। इन जैसे आकार वाले स्तनधारी से कई ज़्यादा चूहे और चुकंदर 2 साल से भी कम जीते हैं। पृथ्वी पर जितने भी स्तनधारी प्रजातियां हैं, मनुष्य समेत उनमें से 20% आबादी चमगादड़ों की ही होती है।
कुछ छोटे प्रकार के चमगादड़ जब सो रहे होते हैं तो उनके दिल की गति सिर्फ 18 बार प्रति मिनट ही होती है, पर जब वह जाग जाते हैं तो उनकी गति 880 तक पहुंच जाती है। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि चमगादड़ों की उत्पत्ति लगभग 6.5 से 10 करोड़ साल पहले डायनासोरों के समय में ही हुई थी। जिन चमगादड़ों के बारे में अब हमें पता चला है वह करीब 3.5 करोड़ साल पहले के हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह दूध देने वाले जानवरों की सर्वोत्तम श्रेणी बंदर मनुष्य से भी संबंध रखते हैं। चीन और जापान में चमगादड़ खुशी का प्रतीक समझे जाते हैं। चमगादड़ और अच्छा भाग्य को चीनी भाषा में फू कह के उच्चारण भी किया जाता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में चमगादड़ों को काफ़ी समय तक जादू टोनों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, इनका उपयोग दवाइयों और औषधियों को बनाने के लिए भी किया जाता है। अब तक का सबसे पुराना चमगादड़ जीवाश्म व्योमिंग अमेरिका के पोलोस्टोन में पाया गया था, जो कि लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराना है। ज़्यादातर चमगादड़ भूरे या फिर काले रंग के ही होते हैं, परंतु भी हो सकते हैं जिनका रंग सतरंगी या फिर पीला हो सकता है। चमगादड़ों के सुनने की क्षमता भी बहुत ही ज़्यादा होती है और एक बार की हरकत को भी वो आसानी से सुन सकते हैं। ज़्यादातर चमगादड़ों की गुफाओं में सभी मादा चमगादड़ एक ही समय में बच्चों को जन्म देती हैं। लगभग 100 चमगादड़ मिलकर एक साल में 25 गाय का खून पी सकते हैं। पिशाच चमगादड़ इकलौते सतनधारी हैं जो केवल खून ही पीते हैं। हर साल अमेरिका में पंचक्की के कारण लाखों चमगादड़ मारे जाते हैं, पर आश्चर्य की बात तो यह है कि वह पंखों के कटने की वजह से नहीं मरते, बल्कि पंखों के पास हवा के कम दबाव के कारण उनके फेफड़ों की नसें रक्त वाहिकाओं में विस्फोट हो जाता है, जिससे वो मर जाते हैं। 600 ईस्वी पूर्व ग्रीक ग्रंथ में एक कहानी भी देखने को मिली, जिसमें कहा गया था कि चमगादड़ ने किसी व्यक्ति से कोई व्यापार शुरू करने के लिए पैसे उधार लिए और व्यापार के फेल होने पर वह पैसे न लौटा सका। इसलिए ही चमगादड़ रात को बाहर निकलते हैं ताकि कोई भी उनसे उनके उधार पैसे वापस ना मांगे। एक पिशाच चमगादड़ एक दिन में अपने वजन के जितना ही खून पी सकता है। चमगादड़ हमेशा उल्टा लटक के ही सोते हैं ताकि वह जरूरत पड़ने पर आसानी से उड़ सकें। अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो चमगादड़ों के दिमाग का आकार पक्षियों से बड़ा होता है। सिर्फ 5% ही अमेरिका की ऐसी गुफाएं हैं जो कि चमगादड़ों के लिए अनुकूलित हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा चमगादड़ अमेरिका में ही देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर वास्तुकला की नज़र से देखा जाए तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चमगादड़ का घर में आना अशुभ माना जाता है और यह मौत का संकेत होता है। रात के अंधेरे में विचरण करने वाले चमगादड़ के अशुभ लक्षण भी अंधेरे के जितने ही भयानक माने जाते हैं। मृत जीवों को खाने और उनका खून चूसने वाला वास्तु और ज्योतिष में बेहद अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता भी चली आ रही है कि ये प्राणी अगर घर में प्रवेश कर जाए तो इसका बुरा ही असर होता है। यहाँ तक कि चमगादड़ का घर में आना मौत का संकेत तक भी माना जाता है। घर में इनका आना वास्तु के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित नहीं माना गया। घर में इनके प्रवेश के साथ ही नकारात्मक शक्ति का भी प्रवेश हो जाता है। यहाँ तक कि ये मृत और बुरी आत्माओं के साए का भी वाहक होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से परिजनों में झगड़े और विवाद की परिस्थितियाँ बनने लग जाती हैं और दूसरे अनिष्ट की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। वास्तु के अनुसार जिस घर में चमगादड़ का प्रवेश हो जाता है वहाँ जल्द ही खाली मकान बन जाता है और घर के सदस्य वहाँ से जाने लग जाते हैं और वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। इनके वास के साथ ही घर के परिजनों पर मौत का साया भी छाया रहता है। घर में इनके प्रवेश के साथ ही नकारात्मक शक्ति का भी प्रवेश हो जाता है। यहाँ तक कि ये मृत और बुरी आत्माओं के साए का भी वाहक होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से परिजनों में झगड़े और विवाद की परिस्थितियाँ बनने लग जाती हैं और दूसरे अनिष्ट की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। वास्तु के अनुसार जिस घर में चमगादड़ का प्रवेश हो जाता है वहाँ जल्द ही खाली मकान बन जाता है और घर के सदस्य वहाँ से जाने लग जाते हैं और वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है।
इनके वास के साथ ही घर के परिजनों पर मौत का साया भी छाया रहता है। कहा तो यह भी जाता है कि चमगादड़ के घर में आने से मौत को आमंत्रण मिलता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। असल में इनके पंखों में बेहद घातक बैक्टीरिया होते हैं। इनसे इन्फेक्शन हो जाता है जिससे इंसान की मौत हो सकती है। दुनिया में इनके हमले से मौत के कई घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। आज के समय में इबोला जैसी घातक बीमारी भी चमगादड़ नियंत्रण मिलता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। असल में इनके पंखों में बेहद घातक बैक्टीरिया होते हैं। इनके इन्फेक्शन से इंसान की मौत भी हो सकती है। दुनिया में इनके हमले से मौत के कई कारण सामने आ चुके हैं। आज के समय में इबोला जैसी घातक बीमारी भी इन्हीं की वजह से फैल रही है। इबोला से जुड़े ताजा शोध से इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि चमगादड़, बंदर और गोरिल्ला इस बीमारी के वाहक होते हैं। इस तरह के लाइलाज बीमारियों के वाहक होने के कारण ही यह भी कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर यह हमला कर दे तो समझो उसकी मौत निश्चित है। निपा वायरस एक घातक बीमारी होती है। हाल ही में केरल में निपा वायरस को लेकर दर्ज किया गया था कि केरल के बाद यह घातक वायरस तेलंगाना और कर्नाटक तक भी पहुंच गया था। निपा वायरस चमगादड़ों और सूरों द्वारा ही फैलाया जाता है। भारत में निपा वायरस के मामले पहले भी देखने को मिल चुके हैं। सबसे पहले यह मामला पश्चिम बंगाल को देखने में मिला था। उस समय निपा वायरस के कारण 45 लोगों की मौत हो चुकी थी। दूसरा मामला 2007 में पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया था। उस समय 5 लोग इस घातक वायरस की चपेट में आ गए थे। तो देखा दोस्तों, जो चमगादड़ होते हैं उनकी वजह से ही ये बीमारी होती है। तो प्लीज़ आप लोग चमगादड़ों से बच के रहिए। आप लोगों को निपा वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए हम बताते हैं। उस स्थान पर आप लोग ना जाइए जहां पर चमगादड़ और सुअर का आना जाना लगा रहता है। वायरस से संक्रमित इंसान के आसपास भी आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। फलों और सब्जियों को अच्छे से धोकर खाना चाहिए। इंसान और जानवर के पीने के पानी को भी अच्छे से ढक कर रखना चाहिए। पेड़ों से गिरे हुए फल बिल्कुल भी ना खाएं। चमगादड़ विश्व में पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा स्तनपायी जीव है जो पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है और गुफा से उड़ते समय भी हमेशा बाईं दिशा की ओर ही मुड़ता है। इंसानों के आसपास पुराने खंडरों, किलों या फिर पुराने वीरानों इमारतों में पाया जाने वाला यह जीव देखने में बेहद ही बदसूरत होता है और यह एकमात्र एक ऐसा। चलिए चमगादड़ के बारे में कुछ और जान लेते हैं। चमगादड़ विश्व में पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा स्तनपायी जीव होता है जो पेड़ों पर उल्टा लटकता है और गुफा से उड़ते समय हमेशा बाईं तरफ की ओर ही मुड़ता है। इंसानों के आसपास पुराने खंडरों, किलों व वीरानों इमारतों में पाया जाने वाला यह जीव देखने में तो बेहद ही बदसूरत होता है और यह एकमात्र ऐसा स्तनपायी जीव है जिसे प्रकृति ने उड़ने के लिए ही बनाया है। एक 200 खटमल तक भी खा सकता है और यही नहीं, यह जीव एक घंटे में 1500 छोटे कीड़े मकोड़े भी खा सकता है। चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो किसानों के करोड़ों रुपए की बचत करता है। वो इसलिए क्योंकि 140 बड़े भूरे चमगादड़ गर्मी के मौसम में बहुत सारे ऐसे कीटों को खा जाते हैं जो खीरों को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे किसानों के प्रति वर्ष करोड़ों रुपए बचते हैं। क्या आप जानते हैं कि चीन और जापान में चमगादड़ को अच्छे भाग्य का शुभ संकेत भी माना जाता है। दोस्तों, आपको ये मालूम है चमगादड़ों के मल का उपयोग गन पाउडर बनाने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका गृह युद्ध में एक बार ऐसा किया जा चुका है। चमगादड़ों में कुछ प्रजातियों के ऐसे चमगादड़ होते हैं जो केवल खून ही पीते हैं और इन्हें पिशाच चमगादड़ के नाम से भी जाना जाता है। एक पिशाच चमगादड़ एक दिन में अपने के बराबर पी सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चमगादड़ हमेशा उल्टा लटक कर ही सोते हैं। विश्व में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे अधिक मात्रा में चमगादड़ पाए जाते हैं। बड़े चमगादड़ों के पंखों की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट तक भी हो सकती है।
वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व में अब तक चमगादड़ों की कुल 1100 प्रजातियों को खोजा जा चुका है, जिनमें से अधिकतर प्रजातियां अमेरिका में ही देखने को मिल जाएंगी। कहते हैं कि चमगादड़ प्रकृति के लिए बेहद ही हितकारी साबित होते हैं। वो ऐसे क्योंकि चमगादड़ पेड़ पौधों के बीजों व फलों को खाकर उनके बीजों को जंगल में ऐसे फैला देते हैं जिस कारण से जंगल घने हो जाते हैं और ऑक्सीजन का स्तर अनुकूल रहता है। चमगादड़ों की कुछ प्रजातियां लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। उदाहरण के तौर पर भूरा चमगादड़ लगभग 40 वर्षों तक भी जीवित रह सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में पाई जाने वाली कुल सतनदारी प्रजातियों में लगभग 20% चमगादड़ों की ही आबादी है। प्राचीन यूरोप में चमगादड़ का उपयोग घरेलू दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता था। दुनिया में पाए जाने वाले सबसे छोटे चमगादड़ की प्रजाति का नाम है बम्बलबी और इसका वजन मात्र 215 ग्राम तक भी होता है। क्या आप जानते हैं कि चमगादड़ अंडे ना देकर सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की तरह सतनदारी जीव हैं। विश्व में पाए जाने वाली चमगादड़ की प्रजातियों में अधिकांश चमगादड़ भूरे या काले रंग के ही होते हैं। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार भी यह पाया गया था कि चमगादड़ की उत्पत्ति डायनासोरों के समय से ही हो रही है, अर्थात यह जीव लगभग 6 से 10 करोड़ साल पहले भी रहा था। चमगादड़ों के बीच अपने शिकार को लेकर प्रतियोगिता होते भी देखा जाता है, क्योंकि यदि एक चमगादड़ को अपना शिकार मिल जाता है तो दूसरा चमगादड़ अवश्य ही उससे वो शिकार झपटने की कोशिश कर सकता है। यह आमतौर पर ही होता है। अगर आपके पास चमगादड़ आ जाए तो उसे कैसे दूर भगाएं, उसके लिए भी कुछ उपाय बताते हैं। चमगादड़ को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोग तो इसकी पूजा भी करते हैं तो कुछ लोग इन्हें अशुभ भी मानते हैं। चमगादड़ का घर में घुसना किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत माना जाता है। हम आपको यहाँ बताएंगे कि अगर आपके चमगादड़ घर में घुसाए तो इसे कैसे दूर किया जाता है। अगर आपके घर के आसपास चमगादड़ चक्कर लगाती है तो यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है। घर के पास अगर कोई पेड़ है उस पर भी अगर चमगादड़ सोती हैं तो वह भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में यदि घर के अंदर चमगादड़ आ जाए तो उसे किसी लड़ाई झगड़े आदि तरह के संकट के आने का संकेत मान लिया जाता है। ऐसे में चमगादड़ों को भगाने के लिए उपाय करना चाहिए। कहते हैं धुआं जलाकर या उजाला कर कर भी उन्हें दूर भगाया जा सकता है, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको इस वीडियो में जरूर बताते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि चमगादड़ के घर में घुसने पर लाइट जला देनी चाहिए क्योंकि यह अंधेरे में भागती है, लेकिन जरूरी नहीं कि लाइट जलाने पर चमगादड़ भाग जाए, क्योंकि रोशनी ज़्यादातर चमगादड़ों को अट्रैक्ट करती है और उसे भगाने की जगह देखने में मुश्किल होती है। ऐसे में लाइट बंद करनी चाहिए क्योंकि लाइट बंद होने से चमगादड़ों को भगाने का रास्ता साफ दिखाई देगा। अल्ट्रासोनिक दवनी। अगर आपके घर के आसपास या घर में चमगादड़ आ जाए तो आप उपकरण घर में रख सकते हैं जिनमें अल्ट्रासोनिक दवनी उत्पन्न होती हो। ऐसी दवनी चमगादड़ को खतरे का संकेत देती है जिससे वह यह सोच लेता है कि वह घर से भाग जाए, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए खतरा है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस तरह से चमगादड़ नहीं भागते, लेकिन उपाय अपनाने के बाद ही यह तय कीजिए। दोस्तों घर में चमगादड़ आते ही क्यों हैं? चमगादड़ घर में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एक सेफ जगह चाहिए होती है। आमतौर पर यह धारणा है कि चमगादड़ बहुत ही ज़्यादा डरपोक होते हैं, खासकर मदर बैट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर कोई ऐसी सुरक्षित जगह देखते हैं जहाँ उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें, इसलिए वो घरों में घुस जाते हैं ये सोच के कि ये जगह उनके लिए सेफ है, क्योंकि जंगल में उन्हें दूसरे जानवरों और पक्षियों से अपने बच्चों के लिए खतरा बना रहता है। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि चमगादड़ों को लेकर कैसे लोगों की लोग इसका घर में आना अशुभ मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो इसे शुभ मानते हैं, जो चाहते हैं कि अगर चमगादड़ घर में आई तो उससे सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये थी चमगादड़ के बारे में जानकारी। चमगादड़ किसानों के खेतों को कुछ ऐसे कीड़ों से भी बचाते हैं जिनकी। तो दोस्तों, देखा आपने लोगों की कैसी अलग अलग मान्यता है। कुछ अशुभ मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि चमगादड़ का घर में आना बहुत ही शुभ होता है। किसान तो उन्हें अपना रक्षक मानते हैं, क्योंकि वो उनकी कृषि से बहुत सारे जीव नष्ट कर देते हैं जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और हर वर्ष उनका करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन चलिए, जो भी है, फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि ये सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। हमें तो यह सुनकर बहुत अजीब लगता है कि एक शक्ल से डरावना दिखने वाला चमगादड़ कैसे शुभ प्रतीक हो सकता है। चलिए, जो भी है दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में चमगादड़ के बारे में जितना हो सका उतना बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।